हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। तो आज हम इस वीडियो में जो ये ट्रैक्टर है इसको 4x4 में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने जो हमारी पहली वीडियो थी इस ट्रैक्टर के ऊपर वो नहीं देखी है तो आपको आई बटन पे लिंक दिखाई दे रहा होगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो इसकी पहली वीडियो थी उसमें जो इसके पीछे वाले टायर थे यहाँ पे मोटर अटैच की थी और फ्रेंड्स हमने इसको रिमोट कंट्रोल भी तैयार किया था। तो फ्रेंड्स, अब हम इसका जो 4x4 का काम है वो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम इसके जो फ्रंट वाले टायर है उसमें इस मोटर को अटैच करेंगे, तो आपको ये दिखाई दे रही होगी। तो फ्रेंड्स, इसको हम कुछ इस टाइप से यहाँ पे अटैच करेंगे। फ्रेंड्स, हमने दो मोटर की शाफ्ट ली है, जो छोटे वाली मोटर रहती है हमने उसके अंदर से इसको निकाला है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे ऐसे फिक्स कर देंगे और ये आसानी से इसमें फिक्स भी हो जाएगी। और फ्रेंड्स, जो हमने ये टायर थे इसको हम इनके अंदर फिक्स कर देंगे कुछ इस टाइप से, ये ऐसे लग जाएगी। तो हम इसको फिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो हमने गियर मोटर ली थी हमने उसको फ्रंट एक्सल में अटैच कर लिया। और फ्रेंड्स, अब हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं और इसको पेंट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने इसको पेंट कर लिया है। और फ्रेंड्स, जो हमने दोनों मोटर थी इनके जो वायर्स थी उनको पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक वायर को अटैच किया, तो आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम इसको डायरेक्ट रिमोट में कनेक्ट करेंगे, तो हम इसका रिमोट भी तैयार करते हैं। रिमोट तैयार करने के लिए हमने ये दो स्विच लिए हैं, तो आप देख सकते हैं ये तो पुश स्विच है और एक ये 6 पिन वाला स्विच है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने क्या किया, जो इसकी फर्स्ट लेग थी और सिक्स्थ लेग थी इन दोनों को आपस में ज्वाइंट कर दिया है। ऐसे ही इसकी जो फोर्थ लेग है और थर्ड लेग है इनको भी आपस में ज्वाइंट कर दिया है। और फ्रेंड्स, जो इसके मिड में हम यहाँ पे मोटर के वायर लगाएंगे, जो ये वायर थे हम इसको यहाँ पे ऐसे अटैच करेंगे। और फ्रेंड्स, इस साइड हम जो बैटरी है उसके वायर लगाएंगे, तो हमने ये बैटरी ली है और हमने इन दोनों बैटरी को सीरीज में कनेक्ट किया है। हमने एक ये बॉक्स लिया है, इससे हम जो रिमोट है उसको तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ से एक पीस कट किया है जिसमें जो ये स्विच था ये आसानी से फिक्स हो जाए और जो ये पुश स्विच था हम इसको यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, तो ये कुछ इस टाइप से लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके कनेक्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो मोटर के वायर थे उनको अटैच कर दिया है। और फ्रेंड्स, एक वायर यहाँ पे पुश स्विच पे लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे वायर अटैच कर लिए हैं बैटरी पर, तो जो बैटरी की एक वायर तो हम इस पुश स्विच पे लगा देंगे और फ्रेंड्स एक वायर को हम यहाँ पे इस पे अटैच कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं जो रिमोट था वो रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको एक बार इसको टेस्ट करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही हम जो ये पुश स्विच था इसको प्रेस करेंगे तो जो ये दोनों मोटर है ये वर्क करेंगे, तो आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो हमने ये स्विच लगाया था ये इसको फॉरवर्ड और जो बैकवर्ड है उसके लिए है। अब जैसे हम इसको प्रेस कर देंगे तो अब ये फॉरवर्ड की तरफ चलेगा और जैसे इसको फिर
बन गई।